सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। सो आज की वीडियो हिंदी और पंजाबी में मिक्स होगी, क्योंकि मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो एम्बेसी में बहुत हार्ड होता है स्पाउस वालों का। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत स्मूथ होया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, दो चार क्वेश्चन पूछे और भेज दिया। सो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे क्या फेस करना पड़ा इंटरव्यू के टाइम पे, क्या तैयारी की मैंने, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर किए, वो सभी वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, जो इंटरव्यू होता है कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, वो दिल्ली हाई कमीशन में होता है। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो 2 बजे था। सो मैं वहां पर 1:30 पे कनाडा हाई कमीशन के बाहर पहुंच गया था। इंटरव्यू के लिए हमें इंटरप्रेटर एक करना पड़ता है, क्योंकि देखो चाहे आप जितने भी मर्जी इंग्लिश में अच्छे हो, बट अगर सामने कोई फॉरेनर आ गया तो उनका एक्सेंट क्या होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। उनका एक्सेंट हमें तो समझ आ जाएगा, या हमारा उनको समझ आएगा या नहीं आएगा, तो एक रिस्क को दूर करने के लिए हमें एक इंटरप्रेटर करना पड़ता है। तो मैंने भी एक इंटरप्रेटर को हायर किया था, जिसकी फीस 3,000 रुपये होती है। सो मैंने 1:45 पे अंदर एंट्री की। सबसे पहले उनकी चेकिंग का जो प्रोसीजर होता है, वो मेरा बैग भी चेक करते हैं, ठीक है, बैग में क्या था, मेरी चेकिंग हुई, इंटरप्रेटर की भी चेकिंग हुई। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर इंटरप्रेटर हायर किया तो उसके पास 2 डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए, एक तो अथॉरिटी लेटर एंड एक गवर्नमेंट अप्रूव आईडी। अथॉरिटी लेटर और गवर्नमेंट अप्रूव आईडी के बिना एम्बेसी वाले उसको एंट्री नहीं करने देंगे। सो उसके बाद मैं अंदर गया, ऑलरेडी एक इंटरव्यू चल रहा था। सो मैंने वहां पर 1:45 से लेकर 2:30 तक वेट किया, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स मैंने अंदर वेट की। एंड उस टाइम जो वेट करते हुए मेरे दिल में धक धक हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सबको प्रेशर होता है कि यार क्या होगा, क्या पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे। देखो अपनी तरफ से हर कोई अपनी पूरी तैयारी कर जाता है, बट फिर भी एक मन में डाउट होता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह ना गया होवे, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जो मुझे पता ही ना हो। पर मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर हमारा केस जेन्युइन है, अगर आपकी मैरिज जेन्युइन है, तो आपको डरकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। तो मेरी भी वही कंडीशन थी, तो मैं अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था कि अगर जो मर्जी पूछे मैं तो क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं। सो मैं अंदर गया तो उन्होंने इंटरप्रेटर को देखा मेरे साथ, तो उन्होंने इंटरप्रेटर को मना कर दिया कि आप इनके साथ नहीं आओगे, क्योंकि उनको डाउट था कि शायद वो मेरा नोन है, मेरी हेल्प करने के लिए आया। एंड गाइस, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, आप मानोगे नहीं, वो भी फॉरनर था, एंड उसने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर नेम एंड आप यहाँ पर कैसे आए हो। एंड उन्होंने बोला कि आप जो भी प्रिपेयर करके आए हो या फिर आपको किसी ने कुछ भी सिखाया है वो सब भूल जाओ, आपने जो भी मुझे आंसर करना है वो सब सच करना है। तो मैंने फुली कॉन्फिडेंट बोला ओके सर, आई विल डू। सो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ का स्टेटस क्या है, तो मैंने बोला कि अप्लाइड स्टेटस, ओके। सो कब अप्लाई किया था, मैंने बोला कि इस तारीख को अप्लाई किया था, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने मेरी जो वाइफ का अप्लाइड स्टेटस था वर्क परमिट का, तो मैंने वो बताया कि इतनी तारीख को हमने वर्क परमिट अप्लाई किया था। एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या उनका स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया, तो मैंने बोला नहीं, अभी अगस्त तक वैलिड है। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ दोनों डॉक्यूमेंट, तो मैंने वर्क परमिट अप्लाइड स्टेटस और स्टडी परमिट जो हमारी एक्सटेंशन थी वो मैंने दोनों उनके पास रख दी। सो उन्होंने चेक किया एंड उसके बाद पूछा कि आपकी वाइफ जॉब कहाँ करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कैसे जाती हैं, कौन सी बस में जाती हैं एंड कितने टाइम में वहां पर पहुंच जाती है। तो मैंने इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दिया, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था कि वाइफ कहाँ जॉब करती है, क्या जॉब करती है। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी पूछा था कि नॉक बी की जॉब है तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नॉक बी का कोड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरी वाइफ का नंबर भी पूछा था कि उनका नंबर क्या है। एंड उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी वाइफ की जो ट्रांसक्रिप्टें हैं आपके पास हैं, तो मैंने बोला यस है, तो उन्होंने बोला दिखाओ, तो मैंने वो ट्रांसक्रिप्टें भी उनको दे दी। एंड उन्होंने पूछा कि उनके ओवरऑल कितनी जो CGPA होती है वो कितनी थी, तो मैंने वो भी बता दी कि इतनी CGPA थी। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे उनके मैरिज के ऊपर कि मैरिज में कम क्राउड क्यों था, तो मैंने उसका अच्छे से उनको रीजन दिया, पूरा जस्टिफाई किया कि कोविड के वजह से या फिर मेरे घर की कुछ कंडीशंस की वजह से
हमारी शादी में जो पर्सन है वो कम थे, एंड उन्होंने बोला कि आपने कौन कौन से फंक्शन किए थे अपनी शादी में वो दिखाओ। तो मैंने अपनी शादी की एल्बम उठाई और उनके सामने रख दी कि ये देखो जी सभी हमने फंक्शंस किए थे, बट हमने जागो मतलब जो हमारे पंजाब में जागो का जो फंक्शन होता है वो हमने किया नहीं था। तो उसका भी मैंने रीज़न उनको बता दिया था कि ये रीज़न से हमने ये फंक्शन नहीं किया था, बट बाकी सभी फंक्शंस हैं। तो उन्होंने मेरी एल्बम देखना स्टार्ट की और एल्बम के बीच में से वो इशारा करके पूछ रहे थे कि ये इंसान कौन है, ये इंसान कौन है। मतलब आपको आपकी एल्बम में भी सब कुछ पता होना चाहिए कौन आया था कौन नहीं आया था। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपनी स्टोरी के बारे में बताओ कि आपकी शादी कैसे हुई, आप अपनी वाइफ को मिले कैसे। एक्चुअली मेरा तो चलो वो केस और था, हम तो 2014 से मेरी वाइफ के साथ मैं लिंक में था, तो कॉलेज की मैंने अपनी पूरी स्टोरी उनको 15-20 मिनट लगाए और पूरी स्टोरी बता दी कि हम ऐसे मिले ठीक है, हमने ये स्टडी एक साथ की थी, एंड उसके बाद जॉब भी मेरी वाइफ ने वहाँ की मैंने यहाँ की, एंड शादी की, शादी के बाद 2 महीने मेरे साथ रहे एंड चले गए। सो हर एक चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन की, हर एक चीज़ सच बोली, कोई भी झूठ नहीं बोला। इंटरव्यू का एक रूल होता है कि आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना, अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आपको वो बैन कर सकते हैं। सो गाइस मैं सभी को सजेस्ट यही करूंगा कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। सो उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मेरी वाइफ के मदर है उनका नंबर बताओ। मैं वैसे मुझे ना पहले ही था पता था कि हो सकता है कि ये भी पूछ रहे, तो मैं याद करके गया था, मैंने वो भी बता दिया। तो मेरी वाइफ का एड्रेस था वो भी बता दिया। इसमें उन्होंने मेरी जॉब के बारे में पूछा था कि आप क्या जॉब करते हो, आपकी इनकम क्या है ठीक है जी, आप ITR भरते हो, कितनी भरते हो। तो उन्होंने हर चीज़ वेरीफाई की, एंड मेरी वाइफ की जो पहले वाली जॉब है उसके बारे में पूछा कि वो पहले कहाँ जॉब करते थे, उसका एड्रेस क्या है, वो वहाँ पर कैसे जाते थे। तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की। एंड उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपनी वाइफ के साथ बात कैसे करते हो, उनकी रूटीन क्या है, कि वो टाइम कैसे निकालते हैं कि आप आपसे बात कर सकें। तो मैंने अपनी वाइफ की सभी रूटीन, जो सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए मेरे से बात करते हैं, हम पर जाते हुए बस में मेरे से बात करते हैं, तो मैंने हर चीज़ इलेबरेट की विद प्रूफ। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, तो मेरे पास कॉल डिटेल थी, कॉल डिटेल के प्रिंट्स निकाल कर मैं लेकर गया था, मेरे पास व्हाट्सएप कॉल डिटेल भी थी, डायरेक्ट कॉल डिटेल भी थी। तो मैंने वो उठाकर उनके सामने रख दी, तो उन्होंने अच्छे से देखा, चेक किया कि ये किसकी कॉल डिटेल है, आपके फ़ोन की या अपनी आपकी वाइफ के फ़ोन की। तो मैंने बोला ये मेरे फ़ोन की कॉल डिटेल है। सो उन्होंने 5-7 मिनट देखा, एक फ़ोटो स्टेट भी निकाली उसकी और अपने पास रख ली। एंड उसके बाद पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एम्बेसी ऑफिसर जो भी मेरे से पूछ रहा था, जो मैं आंसर कर रहा था वो साथ में टाइप कर रहा था। एंड एक बात मैंने और नोटिस की कि जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा था वो सुन रहा था, ऐसा नहीं कि वो मेरी बात को रोक रहा था या काट रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैंने अपनी हर चीज़ एक्सप्लेन की। अगर उसका एक क्वेश्चन होता था तो मैं 10 मिनट उसका आंसर देता था, ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, मेरे मतलब जो एजेंट है उन्होंने बोला था कि उतना ही आंसर देना जितना वो पूछे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो अगर वो एक क्वेश्चन पूछते तो उसके जो इर्द गिर्द जो भी आंसर थे मैं सभी उनको सच पहले ही बता देता था, ताकि वो मुझे पजल कर ही ना सकें, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बताता तो वो उस थोड़े को यूज करके मुझे पजल कर सकते थे, तो मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने शादी से पहले की फोटोज मांगी मेरे से, तो उसमें मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम प्रिंट निकाल कर लेकर जाते हैं, एक पेज पे A4 की शीट के ऊपर 4 फोटोज निकाल कर कलर्ड, एंड उसके पीछे भी 4, मतलब एक पेज पे 8 शीट्स निकाल कर लेकर जाते हैं। बट मैंने क्या किया था, मैंने एल्बम तैयार की थी शादी के बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए थे, बहुत यूनिक तरीका था, उसकी भी अगली वीडियो जरूर आएगी, उसके लिए भी वेट जरूर करना। सो मैंने एक बिफोर मैरिज की एल्बम अलग से बनाई थी, एंड उसके बाद आफ्टर मैरिज की एल्बम अलग बनाई थी, और आफ्टर मैरिज की एल्बम में मैंने ऑन गोइंग रिलेशनशिप प्रूफ, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करवा दिए थे। सो मेरे पास 2 एल्बम थी, जब मैंने एल्बम उठाई उसके सामने रखी, पेज पलटा, तो उसने बोला कि ये कौन सी एल्बम है, मैंने बोला कि ये बिफोर मैरिज जो मेरी शादी के पहले की फोटोज हैं, 2014 से लेकर 2020 तक की फोटोज है इसमें। तो वो बहुत हैरान हो गया, इम्प्रेस हो गया, कि उसने मुझसे पूछा कि तुमने इसकी भी एल्बम बना ली, मैंने कहा यस सर, बिकॉज
अगर मैं सिंपल प्रिंट निकाल कर लेकर आता तो वो वेस्ट होने थे, क्योंकि वो तो खराब ही हो जाने हैं, कई महीने रुक जाते, पड़े रहते, साल पड़े रहते, उसका कोई यूज नहीं, उसको कोई देखता भी नहीं है। बट एल्बम मैंने एक मेमरीज अपनी बनाई है कि इसको हम जब मर्जी उठाकर देख सकते हैं, जैसे शादी की जो एल्बम होती है वैसी मैंने ये एल्बम बना ली कि इंटरव्यू की वजह से मेरी एक मेमरी बन गई है। तो वो इस चीज से बहुत इंप्रेस हुआ, तो उसने फोटोज देखनी स्टार्ट की मेरी 2015 की। एंड एल्बम में मैंने ना ऊपर मेंशन कर दिया था हर चीज कि ये 2015 की फोटो है तो कहाँ की है, 2016 की फोटो है तो वो कहाँ की है, ताकि वो मुझसे पूछे ही ना, उसके ऊपर वो अपने आप रीड करे। एंड आफ्टर मैरिज की भी मैंने फोटोज ऐसी एल्बम बनाई थी, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, एंड मेरी वाइफ ने मेरे नाम का टैटू बनाया था, उसके मैंने बहुत बड़ा पोस्टर बनाकर लगाया हुआ था। सो उसे देखकर भी उसके पक्का अंदाजा होगा कि मैरिज जेन्युइन है। ये सब देखने के बाद उसने मुझसे बोला कि आपका सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, बट आपकी जो वाइफ है वो अभी अप्लाइड स्टेटस पर है, एंड अप्लाइड स्टेटस पर होने की वजह से आप एलिजिबल नहीं हो कि हम आपको आज ही वीजा दे दें, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी वाइफ का वर्क परमिट, उनकी नॉक बी की जो पे स्टब्स हैं, वो हमें 3 पे स्टब्स भेजनी है, बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, सो जब भी आप भेजोगे हम आपको PPR इशू कर देंगे। तो मुझसे उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि आप अगर ये डॉक्यूमेंट भेजोगे तो आपको PPR जो है वो पक्का मिल जाएगी। तो मैं बहुत खुश हुआ। एंड उन्होंने एक बात मेरी मिसिंग होगी, उन्होंने जब मेरी जॉब के बारे में पूछा था तो मैंने बोला था कि मैं एक स्कूल में टीच करता हूँ एज ए केमिस्ट्री टीचर, एंड साथ में मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो उन्होंने साथ में ही सर्च किया, उनके पास PC होता है, तो उन्होंने साथ ही साथ सर्च किया हरप्रीत ब्लॉग्स, मैंने नाम बताया था, तो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया कि वो क्या कौन कौन सी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि ओके आप तो अच्छी मतलब वीडियोस डाल रहे हो पिछले एक साल से। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया तो मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे साथ एक मजाक भी किया, उन्होंने बोला कि अब इसका कोई ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर मत डाल देना। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, इसका मैं कोई ब्लॉग नहीं डालूंगा, ना ही मैंने बनाया है कोई अभी तक। तो उन्होंने वो मजाक में मुझसे बोला था एंड बहुत हंस के रिप्लाई किया था, तो मैंने भी उनसे बोला कि ओके सर नाइस टू मीट यू। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू था बहुत स्मूथ था, ठीक है, उन्होंने मुझसे सिंपल क्वेश्चनिंग की, मैंने उसकी आंसरिंग अच्छे से की, हर चीज एक्सप्लेन की, कोई भी बात मैंने छुपाई नहीं, मेरे पास हर आंसर का एक प्रूफ था। तो मैंने जैसे जैसे आंसर दिया साथ की साथ उनको प्रूफ, अगर वो मांगते थे कि इसका प्रूफ दिखाओ, इसका प्रूफ दिखाओ, तो मैंने उसके सामने हर चीज को एक्सप्लेन किया। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो आप अपनी वाइफ के बारे में हर चीज पता करके जाओ कि वो कब उठते हैं, कब जाते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नोक बी का कोड क्या है, वर्क परमिट कब अप्लाई किया था, कब उनको वर्क परमिट आया है, स्टडी उनकी कब खत्म हुई थी, स्टडी उनकी कब शुरू हुई थी, ट्रांसक्रिप्टो के बारे में एंड रिजल्ट के बारे में, कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, क्लासेस कौन कौन सी थी, टीचर कौन कौन थे एंड सब्जेक्ट कौन कौन थे, उनके बेसमेंट में या उनके घर में कौन रह रहा है, किसके साथ रह रहे हैं, एंड हर चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या खा रहे हैं, क्या मतलब हर चीज आपको डीपली पता होनी चाहिए। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना। मैंने पूरी कोशिश किया है कि अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख सकूं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, हर चीज आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू अभी आने वाला है या फिर आ चुका है, वेट कर रहे हैं, तो इसके बाद मेरा क्या प्रोसेस था, मुझे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई क्या नहीं आई, ठीक है जी, एंड उसके बाद मैंने अपने वर्क परमिट के फ्लैग पोल करवाया नहीं करवाया, वो हर चीज मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि मैंने डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ में लेकर गया था, कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट छोड़ सकते हैं, कौन कौन से लेकर जाने हैं, हर चीज उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से बैग में लेकर गया था, हर चीज उसमें एक्सप्लेन होगी। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी PPR के साथ, एंड साथ में एक ये वाली वीडियो भी इतना जरूर है, लाइक भी करना, शेयर भी करना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।